बाकी ना पट गिने लड़े ना से मोची ना एक ताड़ी दे मारो चा यार ताड़ी मारो चा जोरदार जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इनाम पुलवान भट्ट, रुस्तों में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन, और हाल ही में वीडियोस वगैरह आ रही थी ठेकेदारों की तरफ से कि इनाम पुलवान भट्ट को 800,000 की ऑफ़र की जा रही थी कि वो आसिम मोची के साथ लड़ें, तो उस बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इनका बयान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं देसी कुश्ती में कब लड़ने आएंगे और आसिम मोची के साथ कुश्ती के लिए कितना डिमांड कर रहे हैं या क्या इनके तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पुलवान जी। वालेकुम अस्सलाम जी। पुलवान जी बताएं कि ये जो वीडियोज़ वगैरह चल रही हैं क्या कहेंगे आप इस बारे में। पहले तो तैयब भाई आपका शुक्रिया, आप माशाल्लाह रेसलिंग के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी दूर से आप स्पेशली आए हैं, तो मैं आपको आपके पेज को बहुत खराज तसीन पेश करता हूँ। दूसरा बिल्कुल मैंने देखी हैं आसफ के हवाले से वीडियोस देखी हैं, इमरान भाई ने भी एक जगह पर वो उन्होंने बयान दिया था मेले में, और उसके बाद बाबा कादर ने भी कुछ इस तरह का ही कुछ बयान दिया है। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि चले इमरान भाई तो गाहे बगाहे कॉल करते रहते हैं, लास्ट टाइम भी उनसे मेरी बात भी हुई थी, और जहाँ तक बाबा कादर का तल्लक है तो उन्होंने तो आज तक मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने मुझे आज तक अप्रोच नहीं किया। इमरान भाई की बात करते हैं, वो बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा था कुश्ती का कहा था, और मैं समझता हूँ कि 800,000 हो या 1,000,000 हो बड़ी एक हैंडसम अमाउंट है, किसी भी पहलवान को लाजमी देसी कुश्ती के लिए इतनी रकम बहुत अच्छी रकम होती है, खेलना चाहिए। जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैंने इमरान भाई को भी बताया था, आपको भी बता रहा हूँ, और आपको भी पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलता हूँ, और अभी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करके आया हूँ, जिसके लिए मैंने वेट 86 केजी किया हुआ था, और अभी भी मैंने वेट जो है वो अपना रिड्यूस कर रहा हूँ। अभी मेरे 2 से 3 इंटरनेशनल इवेंट आ रहे हैं, ओलंपिक क्वालिफायर राउंड भी हमारे सर पे हैं, तो देसी कुश्ती के जो खेलने वाले हैं देखने वाले हैं वो बखूबी समझते हैं कि देसी पहलवानी के लिए एक तो आपका वज़न जो है वो 100+ होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको ज़ोर भी जो है वो अखाड़े में देसी करने पड़ते हैं, और फिर ही आप एक अच्छी कुश्ती खेल सकते हैं। माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, और क्योंकि देखें ना, जब हम यहाँ पर करते हैं गद्दे का, और उसका फ़र्क ये है कि इसमें हम कमर लगा लेते हैं, टेक्निक इसकी मुख्तलिफ होती हैं, टाइमिंग मुख्तलिफ है, फिर डाइट का वेट का बिल्कुल मुख्तलिफ हिसाब होता है, तो जब आपने अखाड़े में करना है फिर आपकी डाइट भी बदल जाती है, आपका वेट बॉडी कैटेगरी भी वेट भी आप ज़्यादा कर लेते हैं, और उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी सारी अखाड़े में होती है। तो इस वजह से क्योंकि अभी इंटरनेशनल मेरे इवेंट हैं तो सारी की सारी कोशिश वहाँ पर है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को के लिए सबसे पहले उसका मुल्क होता है, उसने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। जो देसी पहलवानी है बिल्कुल इंशाल्लाह खेलनी है, खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। हाँ मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर अभी भी आसिफ के साथ खेलने की बात है, बहुत अच्छा पहलवान है नो डाउट, तो मैं इसी हालत में खेल लेता हूँ, तो फिर आप भी थोड़ा सा चेंज करें कि ज़रा कुश्ती जो है वो अखाड़े की बजाय अखाड़े में ही कुश्ती हो जाए, लेकिन ज़रा जो उसके रूल हैं वो गद्दे वाले हो जाएँ। तो चलें मैं इसी वेट में इसी तरह मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, पैसे बेशक आप मुझे आधे से भी आधे दे दें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह इस कुश्ती को करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लें, थोड़ा सा वो आ जाए मैट की तरफ और थोड़ा सा आप इस तरफ, और कुश्ती हो जाएगी। हाँ देखिए कुश्ती तो लाजमी होगी, इंशाल्लाह होगी, क्योंकि मैं भी आपको बताया, आपने देखी है मेरी ट्रेनिंग भी आज देखी है, आज भी मैंने 86 वज़न पूरा किया है, और अभी तकरीबन 15 से 20 दिन इवेंट में भी बाकी हैं, तो इसलिए सारा फोकस जो है वो इसी पर है। तो अगर कुश्ती करानी है तो आप ही के दंगल में आप ही के मेले पर हम खेल लेंगे, लेकिन आप रूल जो है ना वो फिर आप ज़रा कर लें, ये वाले मैट वाले कर लें तो कुश्ती कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर देसी करनी है तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा शाइकीन को। इंशाल्लाह देखें
यही पहलवान है। अगर आप बड़ी पौड़ी की बात करते हैं, हम तो ये 3-4-5 बंदे ही मिलते हैं, तो इन्हीं के साथ ही कुश्तियाँ होनी है, बार बार होनी है, एक नहीं 10-10 कुश्तियाँ इंशाल्लाह होंगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुल्क के लिए खेलना है और उसके बाद ये फिर दंगल और मेले इंशाल्लाह खेलेंगे। तो अगर थोड़ी जल्दी है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा मैं करता हूँ तो इस कुश्ती को इसी मेले पर खेल लेते हैं, वरना भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी उनका वेट तो 100+ होगा या 90+, तो उनको वेट कम करना पड़ेगा, 86 करना पड़ेगा। हाँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं थी वेट कम करने की, जो वेट है इसी तरह वेट होगा, कोई ज़रूरत नहीं गद्दा लगाने की। अखाड़े में कुश्ती या अखाड़े में ही खेलेंगे, सिर्फ जो रूल है ना वो हम गद्दे वाले रख लेते हैं। मैं 86 का होके ही पहलवान जी के साथ खेलना चाहता हूँ, बल्कि आसिफ नहीं पूरे पाकिस्तान के जितने भी सुपर हैवी खिलाड़ी हैं ना उन सब के साथ मैं खेलना चाहता हूँ और खेलने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई थोड़ा सा हमारे जो हैं ठेकेदार हजरात हैं वो भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें ना, तो रूल जो है ना वो बस देसी कुश्ती की जगह पर वो गद्दे वाले रख लें तो कुश्ती कर लेते हैं ना, कोई मसला नहीं। अदरवाइज़ भी थोड़ा वेट कर लें, फिर मुकाबले जब इंटरनेशनल थोड़े से ख़त्म होंगे तो फिर वेट इंक्रीज़ करके तो इंशाल्लाह वो खेलेंगे। और ये बता दें कि कितने अरसे तक ये मुकाबले चलने हैं आपके इंटरनेशनल, और फिर वहाँ से आपने यहाँ पर शिफ्ट करना है? देखें इस तरह तैयब भाई के अगर मैंने 86 से 100+ करना है ना, तो इसके लिए 2 से 3 माह दरकार होते हैं, और फिर अगर मैं 2-3 माह के अंदर मेरा इवेंट भी है और मैं दोबारा तो फिर 86 नहीं कर पाऊँगा ना, इसलिए मुल्क के लिए खेलना फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेन जो अभी हमारा मकसद और पर्पज़ है वो ये है कि हम ओलंपिक क्वालिफाई खेलें। वर्ल्ड चैम्पियनशिप आगे आ रही है, एशिया का मुकाबला आ रहा है, ओलंपिक क्वालिफाई राउंड आ रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 माह का ये एक पीरियड हमारा बनता है, अभी तक उसके ऊपर फोकस है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम देखने वालों को भी कहूँगा मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अच्छा, और जानी पहलवान को भी 10 लाख की ऑफ़र की जा रही है, क्या उनका ये मियार के पैसे हैं या ज़्यादा बनते हैं कम बनते हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पहलवान है वो खुद अपनी असेसमेंट करता है, उसको बेहतर लगता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। किसी पहलवान के लिए 5,000 में भी पहलवान खेल रहे होते हैं और 10 लाख भी पहलवानों को मिल रहा होता है, और कुछ पहले कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा कि 50-50 लाख भी जो है वो डिमांड पर होते हैं। तो ये हर पहलवान का एक अपना क्राइटेरिया होता है, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मुझे 10 लाख मिलेगा तो मैं डेफिनेटली खेलूँगा। और उसके लिए वेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल मुकाबलों के बाद? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी ही मुझे कुश्ती हो जाए, थोड़ा सा रूल चेंज किया जाए, मैं इसी वेट में खेलने के लिए तैयार हूँ। और इससे एक और फ़ायदा बड़ा होगा कि हमारे जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए हमें मज़ीद चाहिए, पाकिस्तान में अभी मज़ीद जो टैलेंट है तो उसका सामने आना बड़ा ज़रूरी है। अगर आसफ इन रूल पर खेले, अगर ये जो बाकी जो खिलाड़ी हैं जखड़ जो है वो खेले, उसके बाद मटर मोची खेले, बाकी सारे खिलाड़ी खेलें, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर है कि आपको थोड़ा सा इस रूल से आगाही भी हो जाएगी। आप देखें रुस्तम पाकिस्तान में भी पॉइंट सिस्टम एंड पर आया, तो इस चीज़ की आगाही बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी देसी कुश्ती को बहुत फ़ायदा है, इससे हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर थोड़ा सा इसको चेंज करें तो अभी इसी मेले पर इंशाल्लाह कुश्ती खेलते हैं। क्या बात है, ठीक हो गया नाज़रीन, आपको जवाब यकीनन मिल गया होगा, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।